बिकॉज मैं बहुत अच्छी लग रही थी, सबसे अच्छी लग रही थी, पोस्टर ही मेरे वजह से वो वायरल हुआ है। नहर आती है पूरे समुंदर की, नया लाइक दूर मैं गीली हो चुकी हूँ, अब मैं शूट नहीं कर सकती, अब लाइक नहीं नहीं अभी पड़ा है सब ड्रायर मारेंगे। चार दिन की जिंदगी तू पहले मार के जाने। नहीं नहीं हाउ कैन आई, साढ़े चार दिन से जी दे। बिल्कुल अब पाँच दिन लो। देखा अभी एक ही दिन ज़्यादा दे, कितना बड़ा दिल है तेरा। देखो कहते हैं हाँ जी ये गाता है। अच्छा हाँ जी बेटा गाते हो? हाँ जी गाते। अच्छा और क्या करते हो? फिर उसके बाद हेल्प करती है और तीन चार बार और बोला हेल्प करती है मेरी। पानी लाके देती हूँ, पानी लाके देती है, मेरी हेल्प करती है जी। यस ये सब रिकॉर्ड हो रहा हो, बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हो ना मेरी हेल्प कर। नहीं रोना नहीं है यार, हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रू नेक्सस स्पॉटलाइट। दिस इज योर होस्ट पूजा कश्यप एंड वी ब्रॉट यू एन एपिसोड फुल ऑफ लव। यू नो व्हेन प्यार वाली फील हिट्स यू, इवन Mondays feel like a Sunday meal. Without any further ado, let's welcome our guest for today's episode, the very amazing music artist Mr. Manveer Singh and the very pretty and talented Dr. Neha Chauhan. Your Instagram feed must have been blessed by Neha's content. She is constantly growing and currently having over 1.3 million Instagram followers. Please give a warm welcome to Mr. Manveer and Dr. Neha Chauhan. हेलो गाइस, हाय पूजा की बहन, बढ़िया। हेलो नेहा, हाय पूजा, हाउ आर यू? स्विच टू हिंदी। ओके तो पहले तो मेरा आपसे सवाल है, डॉक्टर नेहा चौहान व्हाट इज द टाइटल मींस? व्हिच डॉक्टर यू वांट टू आस्क? व्हिच डॉक्टर? आप सीधा पूछिए ना, काइंड ऑफ बी नाइस। ये सिर्फ यही हुआ, अदरवाइज अगर आप बाहर जाएं और इंट्रोडक्शन दें, हम डॉक्टर नेहा तो एवरीबॉडी, आप कौन से डॉक्टर, आप कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं? यस एग्जैक्टली, ये तो मैंने दिल तो गोज विदाउट से इंस्टाग्राम से तो लगता है ऐसा दिल का इलाज है, दिल के डॉक्टर्स। बीडीएस किया हुआ है फ्रॉम उत्तरांचल डेंटल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके ओके देन हाउ कम इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम एक्चुअली आई विल टेल यू द होल स्टोरी। मेरा वाइवा चल रहा था, मेरे बायोकेमिस्ट्री में फैकल्टी थे एंड नेहा कक्कर बहुत वो थी, तो मेरा वो चल रहा था वाइवा, तो सर ने बोला बेटा डेंटिस्ट्री में कहाँ आ गए, नेहा कक्कर बनो। तो आई वाज लाइक ठीक है कुछ तो करना चाहिए। फिर मैंने टिकटॉक आया, फिर उस ज़माने में मैंने टिकटॉक पर वीडियोस बनानी शुरू करी, देन आई स्विच टू इंस्टाग्राम एंड लाइक वाइज बस शुरू। और आप दोनों कैसे मिले? As I know you were eagerly waiting for that question. That's a hard question, yes. Yeah, which story would you like to tell? असली या नकली? नकली बताएंगे हम तो ज़्यादा। असली, हम सच में विश्वास रखते हैं। एक वाट इज सेड नकली, लेकिन मैं बताऊंगा असली। ठीक है, एक वर्जन आपका सुनते हैं, एक वर्जन आपका सुनते हैं, ठीक है? दोनों का। सो देयर वाज माय फ्रेंड हु जस्ट लाइक, काफी मेरे ऐसे दोस्त हैं कि जो मतलब मॉडल्स की प्रोफाइल फॉरवर्ड कर देते हैं कि भाई ये मॉडल को कास्ट कर, ये मॉडल को कास्ट कर, लाइक शी इज गुड, शी इज प्रिटी फॉर योर सॉन्ग्स और ये वो। तो ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक रील भेजा, तो वे कहते हैं कि कभी इससे मिला है कोई इवेंट में या कुछ ऐसा या ऐसा? मैं कहा यार मैं कभी इवेंट में तो नहीं मिला, लेकिन रील्स वगैरह मैंने इनके देखे हैं काफ़ी बारी। तो उसे बोला कि उसने ही एक्चुअली चैलेंज्ड मी, जस्ट सेड कि तू डीएम करेगा तो कभी भी बात नहीं हो पाएगी और तू नहीं कर पाएगा, है ना, तो वो नहीं हो पाएगा। कि मैंने कहा चल मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ कि मैं इसके साथ काम करूँगा अभी विद इन लाइक 10 days और समथिंग। तो मैंने जस्ट रैंडम डीएम कर दिया एंड शी जस्ट लाइक अप्रिशिएटेड कि म्यूज़िक बहुत अच्छा है, आई एम इनटू म्यूज़िक, आई एम अ म्यूज़िक लवर या ये सब। तो शी जस्ट लाइक सेट कि हम काम करते हैं, सो आई ऑल्सो हैव माई म्यूजिक लेबल फ्लाइकिंग रिकॉर्ड्स के नाम से, उसमें हमने पहले इनके साथ काम करा। फर्स्ट सॉन्ग मेरा इनके साथ नहीं था, मेरे लेबल का ट्रैक था इनके साथ।
उसमें एक्टर थे राशिफ करके, उनके साथ कनेक्ट हुए, तो हमने एक प्रोजेक्ट करा साथ में इनकी प्लेस देहरादून में, हमने शूट करा, काफ़ी अच्छी जगह है, पहाड़, रोमांटिक सॉन्ग, ऑब्वियसली। तो उसके बाद हमने मुझे नेहा ने कॉल करा, कहती है बहुत अच्छा आपने काम करा, काफ़ी अच्छा सॉन्ग था, तो वाई डोंट यू मेक योर ओन सॉन्ग एंड हम कुछ करें। दिसंबर में हमारा प्लान बन रहा था गोवा का, तो मैंने नेहा को कॉल करा, शी जस्ट सेड कि हाँ मेरा भी फर्स्ट ट्रिप होगा, तो अपन ये सब मतलब हमारा ऑन द गो प्लान बना। कितना ऑन द गो बना? विद इन अ वीक। विद इन अ वीक हमारा प्लान बना, मेरा ऑडियो रेडी था रोमांटिक, और हमारा बिल्कुल यही मन था कि हम वैलेंटाइंस पे ही इसको रिलीज करेंगे, वैलेंटाइंस पे ही सारा। उसी अकॉर्डिंग हमने दिसंबर कुछ में शूट करा, क्योंकि काफ़ी हैपनिंग होता है गोवा, वेदर भी गुड होता है, अदरवाइज वहाँ बहुत गर्मी होती है। तो जनवरी में पूरा लाइक एडिट करा, और नाउ लाइक प्यार वाली फील इज हेयर फॉर यू गाइज। Yeah, the name speaks for itself. प्यार वाली फील। प्यार वाली फील। किसका आइडिया था ये टाइटल चूज करने का? प्यार वाली फील, ऑफ कोर्स मेरा। Yes. बिल्कुल आपकी आपकी वाइब आ रही है उससे मुझे। और आपका वर्जन क्या है? सेम सेम या सच बताएं? He just lied very good, you know. Okay. What did you feel जब इन्होंने टेक्स्ट किया? Now you have to be a liar. नहीं, actually be honest. हाँ ऑनेस्ट बताऊँगी, इससे पहले मैंने इनका एक सॉन्ग देखा था, वो प्रिंस ही काठियावाड़ी के साथ था, तो आई वाज लाइक यार ठीक है, मेरे को एक्साइटमेंट हो गई, मतलब यार सही काम करना चाहिए इनके साथ, देखते हैं काम मेरे कैसा लगेगा। फिर बात बात करी, वाइब्स मैच हुई, एंड देन वाइब्स ज़्यादा मैच हो गई। ज़्यादा मैच हो गई। ये जो म्यूज़िक वीडियो आपने शूट किया था, व्हाट वाज द लोकेशन? गोवा हमने शूट करा, काबो दे रामा इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन गोवा, इट्स अ फोर्ट, और हमने शूट करा इसको पैलोलम पे शूट करा, मतलब बीच लोकेशन, बीच साइड ही हमने ज़्यादातर इसको चूज़ करा, और जो गोवा का लोकल मार्केट प्लेस है वहाँ पे हमने स्कूटी हायर करा, क्योंकि स्कूटी इज़ अ लाइक यू नो कपल थिंग व्हेन यू गो टू गोवा, ऑफ कोर्स स्कूटी हायर किया, तो शॉट्स के लिए हमने, और हमने एक गाड़ी हायर करा जिसमें कैमरा रख के डायरेक्टर पीछे सब वो शूट कर रहा था हमारा। तो गोवा हमने इसलिए चूज़ करा क्योंकि रोमांटिक लोकेशन गोवा, पीपल गो इन दिसंबर, इंडिया के तो खासकर, बाकी रशियंस तो जाते ही हैं पर इंडिया के भी जरूर जाते हैं गोवा दिसंबर। सो वी जस्ट प्लान की रोमांटिक गाना है भाई बच्चा, तो गोवा में ही करेंगे। कोई BTS जो आप चाहते हो शेयर करना और लोगों को नहीं पता है? हाँ एक है वीडियो, मैं बाद में डालूंगा, वो जो लहराती है पूरे समुंदर की, नेहा इज लाइक डूड मैं गीली हो चुकी हूँ, अब मैं शूट नहीं कर सकती, एंड आई एम लाइक नहीं नहीं अभी पड़ा है, सब ड्रायर मारेंगे। Because I remember आपने मुझे पूरा push कर दिया था पीछे। Push मैंने नहीं करा था, वो पानी नहीं करा था। It was the water. What happened? We were like giving the sink part and हमारा storyline shoot था beach पे, so ये बह गई थोड़ा अंदर, पीछे से लहर आ गई, like नेहा ने, like मनवीर, और बच गई, लेकिन आज आपके सामने है। सबकी दुआओं का कमाल। नहीं उस वक्त सिर्फ मेरी थी क्योंकि किसी को पता नहीं था। And director was like indirectly नहीं, directly बिल्कुल सामने मेरी दुआ थी। हाँ चलो ठीक है, मान लेते हैं। आना पड़ा अभी तो। आपसे मुझे ये पूछना है, what is it with the sari thing? Why did you choose sari to be your USP? I don't know, मतलब देखिए अगर आप मेरा starting से scroll करेंगे तो मैं western भी पहनती थी, लेकिन साड़ी में रील्स हमेशा मेरी ज़्यादा वायरल होती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि जिसमें रीच मिल रही है वो चीज़ ज़्यादा करनी चाहिए, बाकी मैं पहन के भी जाती थी तो लोग ज़्यादा साड़ी को ही अप्रिशिएट करते थे, तो दैट्स द रीज़न। तो दैट्स व्हाई हम प्लान कर रहे हैं अगला गाना साड़ी। मैं तो इस बार भी साड़ी, हमारा या शी कैरीड साड़ी हुआ, बट इट लाइक डायरेक्टर सेड कि अभी थोड़ा साड़ी करनी, एंड इट वाज अ वेरी प्रीटी वन। या इट वाज मे बी अब नेक्स्ट वन में हम यूज कर सकते हैं उसे। आपकी लाइफ में सबसे बिगेस्ट क्रिटिक आपके लिए कौन रहा है, आप दोनों के लिए, इन योर करियर सो फार? थोड़ा ऐसा था कि आई वाज इनटू ओनली इंग्लिश म्यूजिक, इंग्लिश ही करता था, उसके बाद टाइम के हिसाब से जॉनर चेंज होता रहा, पंजाबी, हिंदी, काफ़ी अर्बन मॉडर्न म्यूज़िक आया, तो उस हिसाब से मैंने जी के लिए वर्क करा, उसके बाद मैंने टी सीरीज के लिए वर्क करा, तो फिर आई अंडरस्टूड द पंजाबी हिंदी इंडस्ट्री, बिकॉज मेरे को पहले ये समझ नहीं आती थी, मेरा इंग्लिश जॉनर था, मेरा स्पॉटिफाई वो मैं सिर्फ इंग्लिश ही करता था,
तो ये मेरे लिए थोड़ा स्विच का प्रॉब्लम था, बट समहाउ आई डिड इन 2018-19 मेरा गाना आया था टी सीरीज से. उसके बाद नाउ आई एम डूइंग लाइक गुड इन पंजाबी एंड हिंदी. और ये वाला गाना भी अगर आप पंजाबी सुनोगे प्यार वाली फील, तो यू विल फील कि ये पूरा अर्बन काइंड ऑफ म्यूजिक है. राइट, इंग्लिश काइंड ऑफ म्यूजिक है बट वाइब इंग्लिश है, बट है पंजाबी. इट्स लाइक वेरी अर्बन. मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि जब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में स्टार्ट करते हो अपना करियर, तो एक होता है फोक एलिमेंट्स भी आपको रखना है उसमें, प्लस एक मॉडर्न इन्फ्लुएंस है, उसको दोनों को बैलेंस करके चलना होता है. तो आप कितना उस चीज में सक्सेसफुल हो पाए अब तक? एक्चुअली जब मैंने गाना करा था काली राता करके जी म्यूजिक से, तो वो सैड सॉन्ग था. वो एक्चुअली उसमें फ्लूट थी और उसकी वाइब थोड़ी फोक थी. जब वो मेरे पास गाना आया था उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने हिसाब से मतलब कि मॉड्यूलेट कर दिया उसको, मैंने अपने तरीके से कंपोज करा. फ्लूट हमने फिर भी यूज़ करी लेकिन हमने उसको काफ़ी मॉडर्न तरीके से यूज़ करा. सो वी लाइक फ्यूज्ड देसी इनटू लाइक मॉडर्न म्यूजिक. वो हिप हॉप सैड सॉन्ग है. ओके. हाँ, लेकिन वो वाइब आपको सैड सॉन्ग ही करेगा, पर वो म्यूजिकली वो फ्लूट हिप हॉप बज रही है, तो वो हमने ऐसा फ्यूज करा था उसको. नाइस. एंड हु इज द बिगेस्ट क्रिटिक इन योर लाइफ? यार एज सच तो देखिए मेरे को हुआ ही अभी सिर्फ एक साल ही है, तो फिर एज सच तो कुछ एक साल में. हाँ एक्चुअली क्या था, टिकटॉक, आई वाज यूजिंग टिकटॉक दैट टाइम, तो टिकटॉक हो गया बैन. अच्छा. ये था टिकटॉक में आई वाज हैविंग अराउंड 1 मिलियन फॉलोअर्स. ओके जी. तो वो काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो गया था फिर टिकटॉक को भी तुम्हें. अरे एवरीबॉडी इन कॉलेज यूज्ड टू कॉल मी टिकटॉकर नेहा, टिकटॉकर नेहा, एक टैग सा हो जाता है. तो उसके बाद अचानक से टिकटॉक बंद हो गया, फिर सब काम रुक गया, सब एकदम चीज़ें ठहर सी गई. मैंने भी वापस फोकस अपनी स्टडीज़ पे कर लिया, फिर देन मैंने दोबारा शुरू करा. एंड आप बैलेंस कैसे करते हो लाइक स्टडीज़, मेडिकल एंड देन सोशल मीडिया? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि वहाँ वो थोड़ा सा फील ज़्यादा डिमांडिंग है, एंड देन फिर आपको यहाँ पे भी दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग. दोनों ही. हाँ एग्जैक्टली. हाउ डू यू मैनेज इट? देखिए दोनों ही डिमांडिंग है, दोनों में ही टाइम चाहिए. हाँ. तो जैसे क्लासेस करके, सब पेशेंट वगैरह करके, मेरी बैचमेट्स आके सो जाती थी, उस टाइम में कंटेंट क्रिएट करती थी, चाहे रात का 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, मुझे सुबह मॉर्निंग में उठ के टाइमली अपनी क्लासेस भी करनी पड़ती थी. लेकिन मेरा फिक्स था आई हैव टू क्रिएट अ वीडियो, तो फिर मैं बनाऊंगी वो वीडियो. ऐसा नहीं था कि मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस ना देके पढ़ाई को ज़्यादा दूँ या पढ़ाई को ना देके इसको ज़्यादा दूँ. इक्वल इक्वल दोनों को मैंने बिल्कुल बराबर मेहनत करी. हाँ मेहनत बहुत करी. यस क्लियरली दिख रहा है. ऑफ कोर्स मेडिकल के साथ तो बड़ा मुश्किल. एग्जैक्टली. किसी जमाने में मैंने भी मेडिकल चूज किया था, दोनों चीज इट्स इम्पॉसिबल. जो आप कंटेंट क्रिएशन में कभी कभी लोग ना ऐसे क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, बिकॉज देन यू बिकम अ पब्लिक फिगर. तो सब लोग यूजुअली ऐसे बोलते हैं कि साड़ी पहन के रील ही तो बनानी है, ये तो हम भी कर सकते हैं. ऐसा कभी कोई कमेंट्स वगैरह आपको रिसीव हुए? मुझे तो इससे भी खराब कमेंट्स रिसीव होते हैं. व्हाट वाज द वर्स्ट कमेंट दैट यू हैव रिसीव्ड, इफ यू आर कंफर्टेबल? एक्चुअली कंफर्टेबल तो क्या है, मैं बता सकता हूँ एक इसका. अभी रिसेंटली जो हमने टीजर डाला था उसमें एक लड़के का कमेंट आया, उसे बोला वाह लड़की कमर और साड़ी दिखा पहन के गाने में भी आ गई. तो नीचे से मैंने उसको कमेंट करा भाई तू भी कमर दिखा के आ जा. व्हाट्स द प्रॉब्लम? मुझे नहीं पता ना ये व्हाट्स द प्रॉब्लम. अगर उसने करा तू भी कर. सो हाउ डू यू डील विद इट एंड हाउ, मतलब व्हाट्स योर रिएक्शन टू सच कमेंट्स? आई डोंट थिंक शी रिप्लाइज. नहीं एक्चुअली होता क्या है, व्हेन आई स्टार्टेड विद टिकटॉक तो कॉलेज में भी ऐसा था कि पीपल यूज टू मेक फन कि डांस करती है, वीडियो बनाती है. मैं बेसिकली बहुत छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ, जसपुर काशीपुर हो गया, वहाँ के लोग आज भी सपोर्ट नहीं करते हैं. बस मेरे पेरेंट्स हैं वो सोसाइटी के अगेंस्ट मेरे लिए एज वॉल खड़े हैं कि तुझे जो करना है कर, वी डोंट केयर लोग हमें आके क्या. आज भी बोलते हैं मेरे रिलेटिव, बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की क्या करे. मेरे पापा बोलते हैं वो करे जो वो करना चाहती है, बिकॉज मैं ऑलरेडी वो कर चुकी हूँ जो मेरे पापा चाहते थे. ही वॉन्टेड मी टू बी अ डॉक्टर, तो पहले मैंने अपना पापा का ड्रीम पूरा करा. फिर अब पता है क्या होता है मेरे लाइफ में, बस एक फंडा है, मुझे सक्सेसफुल लाइफ नहीं चाहिए, मुझे सैटिस्फैक्ट्री लाइफ चाहिए. एंड आई एम वेरी सैटिस्फाइड जो चीज़ मैं करती हूँ. तो आई डोंट केयर लोग क्या बोलते हैं, बिकॉज एक फंडा है, एक दिन सबको मर जाना है. नहीं रहेगा. चार दिन की जिंदगी. पहले मारते सानू. नहीं नहीं हाउ कैन आई, साढ़े चार दिन तो जींदे.
बिल्कुल आप 5 दिन लो। देखा अभी भी एक ही दिन ज्यादा दिए, कितना बड़ा दिल है तेरा। नहीं आप जितने चाहते उतने लो। काश मेरे पास ये पावर होती। और पता है पूजा, मतलब एक चीज ये होती है कि आप कुछ भी काम करें। आप मैंने BDS में लिया तो लोगों ने बोला MBBS क्यों नहीं लिया। Nobody cared, क्या पता मुझे BDS ही पसंद होता। BAMS क्यों नहीं किया। तो आप कुछ भी करें, आप कुछ भी करें, हर कोई बात करे, वो तो आप अच्छा करो, आप बुरा करो, आप बुरे ही हो। तो लोगों की सुननी क्यों? उन लड़कियों के लिए भी जो सिर्फ इसीलिए ये फिल्म चूज नहीं करती है कि समाज क्या बोलेगा, लोग कमेंट्स करेंगे, या जो मेरे कमेंट्स देख करके लोग जज करते हैं मुझे, तो तुम वही रह जाओगे। वहां से ऊपर निकलना पड़ेगा अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो। अगर किसी भगवान की भी वीडियो डली हो उस पे भी हेट कमेंट्स होते हैं, उस पे भी हेट कमेंट्स होते हैं, मैंने डाल दी थी। स्टॉप दिस। और लोगों में इतना गट्स नहीं होता कि वो अपने आईडी से करें, वो फेक आईडी से करते हैं। यस दैट्स लाइक यू कांट गेट देम। जो भी कर लो तुम, अच्छा डालो बुरा डालो, तो इट्स लाइक आई थिंक इसका तो कोई सिर पैर ही नहीं है, ये बस चल रहा है और वी हैव टू मैनेज दिस। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। सारे सीरियल देखती हो तुम? हां नो नो, आर्या तो देखी होगी ना। आर्या नहीं, आर्या मिनी संजू में था, ये संजू मूवी में। No, I don't know about the movie. I just know that there is this saying, and I also apply it in my life. वो वाले लोग वो होते हैं जिनको attention चाहिए होती है. It's just attention seekers. अगर आप सामने आ जाओगे तो they'll be like. Comment pin कर दो जी, हमारा comment please pin कर दो. कोई funniest DM जो अब तक आपने receive किया, आपने और आपने दोनों ने? यार funniest तो कम होते हैं. अच्छा आपने? वियर्ड होते हैं कि पाजी जैसे आप सिंगिंग करते हो, मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपने इवेंट पे, तो आप डांसिंग भी साथ कर लेते हो। तो मैं भाई ये क्या यार, मतलब कि इसका मैं क्या जवाब दूँ तेरे को। मैंने भी आगे से उसको जवाब दिया, देख भाई मेरा गाना है सुरमा शक्कर पारे, जो मेरे डांस नंबर्स हैं। मैंने कहा जितना मुझे कोरियोग्राफर ने सिखाया उतना ही मेरे को आता है, उसके आर पार कुछ नहीं आता, बस उतना ही आता है मेरे को, उतना मैं नाच दूंगा। आप नाम कहाँ से चूज करते हो? शक्कर पारे, चॉकलेट कॉफी वालियाँ प्रपोज, ठीक है शक्कर पारे, चॉकलेट गाना भी अभी ट्रेंड। हाँ 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 देखा, मैंने देखा है। आप प्यार वाली फील, अभी मैंने तेरे नैना नेक्स्ट कुछ आने वाले हैं, उनके भी नाम कुछ ऐसे ही हैं। एंड माय फेवरेट सुरमा, सिंगल मैसेज, व्हिच वन? सुरमा मेरा फेवरेट सॉन्ग। तो हम लड़की के ऊपर ही सब बना डालते हैं। अच्छा ड्यूरिंग द फिल्मिंग प्रोसेस ऑफ प्यार वाली फील, आप दोनों को एक दूसरे के बारे में कोई सरप्राइजिंग चीज पता चली हो, कुछ डिस्कवर किया? सरप्राइजिंग चीज, अरे ये तो ये भी करती है, ये भी करते हैं, कुछ भी, या कुछ चैलेंजेस फेस किए हों, गुड और बैड और एनी? नहीं गुड, गुड तो है, बैड तो अभी तक खैर है, दो चार पर सोके दो चार एक है वैसे this is not बताने right. वाले नहीं है ना वो, यहाँ गुड तो है बताने वाला कि शी इज वेरी कैपेबल। अगर वहाँ पे हमारा जब काबो दे रामा में शूट था तो इट वाज वेरी हॉट गोवा में, उस टाइम पे भी वेरी हॉट, दिसंबर में भी वेरी हॉट, शुक्र है हम दिसंबर में गए थे। एंड इसकी जब हम वो ट्रैक कर रहे थे ना फोर्ट पे, तो दे वर लाइक स्टोन्स बहुत और नीचे पानी था पूरा, और इसको ट्रैक करना था, खैर सबको ही करना था, पर इसका थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इसने हील्स डाली थी, इसने रिमूव करी, और इसने फिर एक हमारे से, मतलब हमारे पास एक स्लीपर्स थी, इसने स्लीपर्स पहनी, स्लीपर्स भी टूट गई, तो ये फिर भी चली हमारे साथ नंगे पैर, मतलब इट वॉज वेरी हॉट देयर। पूरा कहती नहीं नहीं मनु चलो कोई नहीं अभी करते हैं, आए हैं इतना दूर तक। एंड वो आपको शायद बेस्ट शॉट लगेगा, उसमें चंद वाली लाइन आती है, उसमें वो चांद दिखता है, और वो ही बेस्ट शॉट है। एंड मैं ये कहूँगा कि शायद इसी की, शायद क्या इसी की वजह से ही दैट्स द शॉट, अदरवाइज कोई और शायद मॉडल होती तो वो ना चलती इतना, क्योंकि डेडिकेशन, डेडिकेशन नहीं, रोना नहीं है यार, रोना शी इज जस्ट अबाउट टू क्राई, आई नो राइट, नहीं रोना नहीं है, जो सच है सच है, देखो जहाँ बुरी है वो नहीं बता सकते। ये वही वाले हैं, अपनी दोस्त की प्राइवेट में बहुत बेइज्जती करते हैं, लेकिन पब्लिक में आते हैं तो लिस्ट है। दिस इज ट्रू, देखिए सच बात है, मैं डायरेक्टर को भी बुला सकता हूँ। ठीक है आपके लिए प्लस पॉइंट ये, नेगेटिव तो मुझे कभी लगा ही नहीं होता तो शायद मैं वर्क भी नहीं करती। हाँ पॉजिटिव ये सिखाया नहीं हुआ है। कितने पैसे दिए आप? अरे मेरी लाइन, मेरी लाइन मुझे ही। हाँ बताओ। या ही इज वेरी वेरी केयरिंग, लाइक अगर आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम है ना, कोई और होगा वो प्रायोरिटी अपने काम को देगा, कोई बात नहीं यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, मैंने बहुत बार लाइन सुनी यार थोड़ा सा ही तो है, कर लेना काम कर लेना और, बट ही इज लाइक ठीक है अगर तुम्हें नहीं सही लग रहा है रिलैक्स। तो आई गिव ब्रेक, वी हैव लाइक कोकोनट पीना, कोकोनट उसमें पीना है, कुछ भी, मतलब कि कुछ फ्रेशन अप होना है, टाइम बीच में ब्रेक चाहिए कुछ तो। अब बिना आर्टिस्ट के, बिना दिल के करेगा तो वो चीज़ हम राइट आएगी। मैंने काफी शूट्स पे मैंने भी देखा है चीज जो नेहा ने बोली है कि अरे नहीं नहीं पूजा एक सेकंड का शॉट है अभी, इसके बाद खत्म हो जाएगा। भाई वो एक सेकंड के शॉट में ही वो लड़की एक्सप्रेशन ही नहीं देगी और आपका पूरा कंटेंट खराब हो जाएगा। इससे अच्छा 5 मिनट ब्रेक ले लो यार,
सन नीचे हो जाएगा, हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट है. नॉट ओनली अबाउट ब्रेक, मतलब बाकी चीज़ों में भी मैंने देखा है कि अगर अगर मुझे पता है कि हाँ मनवीर के साथ में शूट करूँ, मेरे पेरेंट्स को पता है कि हाँ मनवीर के साथ सॉन्ग है, तो दे आर वेरी लाइक ठीक है, यू आर सेफ नाउ, आप जाओ आराम से, वो भी टेंशन फ्री रहते हैं. तो ये चीज़ हर किसी के साथ नहीं आती है, जो कि एक लड़की के लिए मेरे ख्याल से प्रायोरिटी होती है, चाहे आप कहीं भी हॉस्पिटल में काम करें या फिर कहीं भी वर्क करें, खासकर तो हमारी इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री में स्पेशल. आई अंडरस्टैंड, मतलब इफ यू टेक द प्रेशर ऑफ योर वर्क तो वो वाली डिलीवरी नहीं आ पाती है. थोड़ा सा हम किसी को धक्के से कुछ भी करवाएं, वो कभी नहीं आएगा वाइब से, उसकी खुद मर्जी से होगा, वो ज्यादा अच्छा आएगा, स्पेशली बिकॉज़ क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. बिल्कुल. तो आप जहाँ पे वर्क करते हो वहाँ पे उन लोगों के लिए तो आप सेलिब्रिटी डॉक्टर हो गए. हाँ, मेरे काफ़ी बैचमेट्स भी आते हैं, बोलते हैं यार मेरे ये वाला कज़न तुम्हें फॉलो करता है, एक बार वीडियो कॉल कर दो. अभी मेरी बहन की शादी थी तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग थे, मैम एक कैमरामैन, हाँ और भी थे, मतलब मैम एक सेल्फी, और मेरी बहन की विदाई हो रही है, मैं रो रही हूँ, वहाँ पे मैम प्लीज़ एक सेल्फी, मैम प्लीज़. अभी मेरी हालत बहुत खराब है. हाँ सो लेकिन ले लेती एक दो सेल्फी यार, हम भी देख लेते हैं. दिल तोड़ा ही उनका. कभी कभी कोई पेशेंट आया आपके पास अपॉइंटमेंट लेके जस्ट टू मीट यू, लाइक अ फैन पेशेंट, क्योंकि आपकी आपको बस सिर्फ मिलना था? तो कमेंट्स बहुत आते हैं, ऐसे डीएम बहुत आते हैं कि आप बताइए कहाँ यू आर वर्किंग और हम वहाँ आना चाहेंगे. बस फर्क ये होता है, वो बोलते हैं हम दिल के मरीज हैं, कहती है मैं दांतों की डॉक्टर हूँ. कुछ लोग तो ऐसे ही ठीक हो जाते होंगे. पूजा इज जजिंग हाउ? नो, इट्स अ गुड थिंग, यू जजिंग गुड, हो जाते लोग ठीक. अच्छा, आपको एक्सपीरियंस है? हाँ, शायद ये भी ठीक हुए होंगे. हाँ, किसी को देख के शी इज अ गुड वाइब, उसकी काफी अच्छी वाइब है, काफी पॉजिटिविटी है, तो पंप अप करती है, शूट में भी काफी अच्छा हेल्प करती है. गुड वाइब्स ही होनी चाहिए तभी शूट अच्छा होता है, अदरवाइज तो कुछ हो ही नहीं सकता, काम ही नहीं हो सकता. हेल्प भी करती हूँ, आइडियाज भी देती हूँ, ये भी बोलना था ना. और जो मैं करता हूँ वो तो मैंने बोल दिया. अच्छा हाँ, बोल दिया तो, बोला तो मैंने, गुड वाइब का मतलब यही हो गया, हेल्प करती है, ठीक है, हेल्प करती है, फिर उसके बाद हेल्प करती है, और तीन चार बार और बोलना है, हेल्प करती है मेरी, पानी लाके देती हूँ, पानी लाके देती है, मेरी हेल्प करती है जी, यस, ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूं, शूट हो रहा हो बीच में, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना मेरी हेल्प करती है. ठीक है ना यार, एक बात बताओ, मैं सॉन्ग में हेल्प करूं तो इनडायरेक्टली आपकी तो हेल्प हुई? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स सॉन्ग में हेल्प कर रही है, मेरी हेल्प कर रही है, क्योंकि इसका सॉन्ग थोड़ी मेरा सॉन्ग है. यू हेल्पिंग योरसेल्फ प्लीज मनवीर, यहां ये कट कर देना प्लीज, नहीं कुछ कट नहीं. ठीक है चलो, आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हो? हां मैं ज्यादा करता हूं, कम करती हूं. इस चीज को रिवर्स कर दीजिए, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, आई वांट टू नो द ट्रुथ. ओके, शी नोस द ट्रुथ, वो रानी के मेरी सुनेगी. मैं ये ऑडियंस पे फैसला छोड़ूंगी. आपके अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेशन है फीमेल मॉडल्स का इन म्यूजिक वीडियोस, वो थ्रू आउट दिस टाइम कितना इवॉल्व हुआ है? पहले के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन होता था फीमेल मॉडल्स का, यूजुअली सिर्फ लुक्स के लिए ले लेते हैं. तो मैं तो ये कहूँगा कि उल्टा, पहले लोग कहते थे कि हाँ इनका एक्ट बहुत अच्छा है, इनका एक्ट बहुत अच्छा है, मतलब ये अपने आप को एक बोल्ड पर्सनालिटी है, या फिर मतलब काफ़ी अच्छा एक्ट कर सकते हैं. आजकल के टाइम पे उल्टा है, आजकल के टाइम पे ऐसा है कि अगर वो एक्ट कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, दे लुक गुड, टेक देम इन द म्यूजिक वीडियो, जस्ट ग्लैमर फैक्टर. जबकि मैं कहता हूँ कि एक्ट भी बहुत ज़रूरी है, एक्ट बहुत ज़रूरी है. ऑफकोर्स इट्स नॉट कि हाँ तुम अच्छे दिखते हो तो तुम गाने में आ जाओगे, एक्ट ही ना कर पाओगे खाली अच्छे दिख दिख के. हाँ ऐसे गाने हो सकते हैं जहाँ लड़की खड़ी है वैसे बस ऐसे से कर रही है, बस ऐसे से कर रही है, गाना खत्म. अगर कुछ कुछ कनेक्शन हो, कुछ अगर रोमांटिक सॉन्ग है, कुछ सैड है, रोने का एक्टिंग है, या कुछ फनी भी है, या कुछ भी स्टोरी लाइन है, स्टोरी बेस्ड गाना, तो मुझे लगता है कि नहीं कर सकती वो लड़की. तो पहले के टाइम पे जो एक्ट्रेस थी वो ऐसे चूज करते थे, ऑडिशंस होते थे या जो भी होता था. आजकल तो ऑडिशन ऐसे हो जाते हैं, ओ यू लुक गुड, आप मैं आपके साथ म्यूजिक वीडियो करूँगा, आप करोगे. सो ये फ़र्क है मुझे लगता है. आपका पर्सनली आपका क्या एक्सपीरियंस है इस पे? आपका देखिए इस फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो मैं आपको, दिस इज योर फर्स्ट वीडियो? नहीं सेकंड, नहीं ऐसे तो मेरी है ये म्यूजिक वीडियो, म्यूजिक वीडियो, हां म्यूजिक वीडियो आपने करा था पहले का है, लेकिन इज जस्ट दैट कि यार ये होता था कि ठीक है इंस्टाग्राम पे उस टाइम पे फॉलोअर्स थे, मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया जाके या किसी को एज सच वो नहीं करा,
बट ये था कि हाँ फॉलोअर्स थे तो तब आए कि मैम आप हमारे साथ कर लीजिए, मतलब ठीक है कर लेते हैं कोलैबोरेशन, बस वैसे था. तो एज सच मेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगी अभी. ओके, इफ यू कुड स्वॉप वन आउटफिट ऑफ नेहा फ्रॉम द म्यूजिक वीडियो. मतलब यू वांट मी टू रिमूव वन आउटफिट की ये नहीं होनी चाहिए स्वैप. हाँ ओके आपकी वो वेयर करेंगे उनकी आप. ऐसा कौन सी चूज करोगे क्यों? Why would I wear मेरे imagination से. तूने कोई जीन्स नहीं पाई थी? Cosplay. तो मैं ये वो जो उसकी लॉन्ग स्कर्ट है of course कि I would love to cover है ना first. Just imagine everybody. ऊपर उसकी दूसरे वो वाली तो नहीं कैप. नहीं पूरा आउटफिट तो वही पहनना पड़ेगा. जा ना मैं तेरे को दूसरे वाली जो काबो दरामा फोर्ट पे आएगी वो वाइट वाला वो क्योंकि वो भी फुल कवर तो दैट्स गोना बी लाइक वो. हाँ वो शॉट ले सकते हो साइड एंगल से पर फ्रंट से कभी शॉट नहीं. तो तुम कौन सी पहनोगी ये बताओ पहले. सारे कपड़े अच्छे थे इनके तो मैं कुछ भी पहन सकती. लड़कियां तो लड़कों का पहन ही नहीं सकती. सारे कपड़े अच्छे थे. कितना खुश है वो. हाँ इसके साथ तो भाई इनके साथ अच्छा ही लगता है, हंसाता रहता है लड़का. हाँ वो तो आई विटनेस्ड. तो आई वुड आस्क यू वन क्वेश्चन. हाँ जी. Yes. आपने वीडियो देखा है? Yes. तो आप कौन सा आउटफिट सोचोगे कि हाँ मेरा आउटफिट या नेहा का आउटफिट वाज द बेस्ट जो आप खुद ट्राई करना चाहोगे जिस पे आप रील बनाओगे? उसमें आप दोनों का मेरे को जो पोस्टर में आउटफिट है कंप्लीट व्हाइट वाला. नहीं इनका ज्यादा अच्छा था या मेरा ज्यादा अच्छा? ऑफ कोर्स मेरा. डोंट मेक मी चूज. क्या क्वेश्चन दैट इज माय जॉब. आई विल बी आस्किंग दैट क्वेश्चन. मत करो उसको पता है मैं अच्छा दिख रहा था. He just said all over white. वो मेरा ड्रेस था. उसको सिर्फ वही याद आपने है. No. I said कि आप दोनों का जो पोस्टर में है that is. मेरा कौन सा था बताओ? White. इसका क्या था? नहीं याद. Blue and then there was skirt. याद है because मैं बहुत अच्छी लग रही थी. सबसे अच्छी लग रही थी पोस्टर ही मेरे वजह से वो वायरल हुआ है. अच्छी लड़कियां खड़ी थी उनमें से मैं सबसे अच्छी. वायरल ही मेरे वजह से हुआ है यार वो. Of course. ये वाला कट कर देना ऐसे झूठे सब. अच्छा आपके लिए because since you are an online personality as well, तो अपना एक authentic self plus एक online persona, उन दोनों को कैसे आप balance करके चलते हो? Because लोग बहुत बार misunderstood कर लेते हैं, specially when you are a content creator and an influencer, तो लोग काफी judge करते हैं कि मतलब बस ऐसे ही famous हो गए, लोग ऐसी video बना के भी famous हो जाते हैं. आपका क्या टेक है उस पर? इस चीज़ का जवाब तो शायद मैं आपको पहले दे चुकी हूँ. वही वाली बात आ जाती है 100 मुँह 100 बातें होती हैं. इस चीज़ के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगी. अभी ना मेरा पापा एक घर बनाया पापा ने तो वहाँ पे वो जो वर्कर्स थे एक बंदा मुझे फॉलो करता था. तो जैसे हम घर पे रहते तो नॉर्मल सूट सलवार में थी तो मैं गई तो पापा की मेरी एक आदत है जो मिलेगा ना मेरी बेटी का चैनल है सब्सक्राइब करना. तो पापा ने हर किसी से मम्मी पापा भाई सब. तो पापा ने बोला कि मेरी बेटी का चैनल है और सब्सक्राइब करना. तो उसने बोला ये आपकी बेटी है? हाँ ये वही है जो वो खड़ी है. तो हाँ वही हो ही नहीं सकता, वो लड़की अलग है ये लड़की अलग है. लोग रियलिटी में मानने को तैयार ही नहीं होते हैं. तो हाँ पर्सनालिटी तो ऑब्वियसली ऑनलाइन अलग रहती है ऑफलाइन अलग रहती है. आपके पास एक मतलब काफ़ी लार्ज अमाउंट में ऑडियंस है जिनको आपको इंगेज करके रखना है, जिनको आपको कॉन्स्टेंटली कंटेंट प्रोवाइड कराना है. तो कभी आपको प्रेशर फील होता है ऐसा? और प्रेशर तो लेती है हमारी लड़की जहाँ तक मुझे पता है. ऐसा दिखाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपके पास में कि आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के चलना होता है. मतलब ये कि कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं. जी 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 ये तो आपने बिल्कुल सही बात की. रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इंगेज करके रखना पड़ता है ऑडियंस को. अभी ऐसी हुआ मेरी दी की शादी थी. अब घर में शादी होती है बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि आप कंटेंट के. मुझे नहीं पता लोग कैसे कर लेते हैं शादी में, भाई मुझसे नहीं हो पाया था बिकॉज आई नो राइट. हाँ तो उस वजह से मैं एक वीक तक शायद कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाई थी. तो रीच एकदम से डाउन हो गया था पेज का. तो एक प्रेशर सा बिल्ड हो गया अंदर से कंटेंट क्रिएट करना है. मतलब मैं सोच रही थी रात को कर दूँ क्या, बट जो मेरा कंटेंट होता है वो नॉर्मल डे लाइट में होता है. मैं नॉर्मल वैसी लाइट यूज़ नहीं करती हूँ. तो फिर
उस वजह से काफ़ी प्रेशर आ गया था, नहीं बना पाई एक हफ्ते तक वीडियो, एक वीक तक नहीं आया था वीडियो बीच में. तो आपके लास्ट पोस्ट पे कमेंट्स आ रहे होंगे कि वेयर आर यू. हाँ, काफ़ी डीएम्स आए, काफ़ी आए. सब्सक्रिप्शन के लिए मैं वीडियोस नहीं डाल पाई हूँ उसके, तो काफ़ी टाइम हो गया, तो होता है, नहीं हो पाता है कभी कभी. और आप अपना सोशल मीडिया गेम कैसे रखते हैं सर? सोशल मीडिया में एक दोस्त के साथ होता है ऑन पीक. मेरा ये तो रहता है, कभी कभी ऐसा मेरे साथ होता है कि जब मैं खुद पापा के साथ कहीं होता हूँ तो जैसे वो रैंडमली मैं किसी से मिलता हूँ तो मुझे नहीं पता होता, तो वो जैसे मेरे पापा की भी आदत है, वो दिखाते हैं तो वो कहते हैं अच्छा कितने हैं थे, अलग अलग मुंडा है, अलग अलग रहे. बिकॉज ऑफकोर्स कभी मैं कैप पहनी होती है, कभी मेरा ऐसे ही पापा के साथ, तो कभी कभी मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं, तो कभी भी कोई मिलता है तो वो कहते हैं कि अच्छा गाने. उसके बाद जब वो सुनते हैं ना, उसके बाद मुझे डीएम आता है कि बेटा घर जरूर आना, मेरा बेटा आपसे मिलना चाहता है. मतलब बाद में उस टाइम वो बोल देते हैं ये कि नहीं ये मतलब कि डिफरेंट लग रहे हो बिल्कुल. मेरे साथ ये चीज़ तो हुई है. बाकी ऑनलाइन एज सच मुझे इस टाइप का हेट तो नहीं होता, पर ये कि कमेंट ज़रूर आते हैं कि इस टाइप का गाना करो, उस जॉनर का गाना करो. बट जो मुझे लगता है कि हाँ मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैंने देसी गाना एक रिकॉर्ड करा था, मेरे वोकल पे सूट नहीं करा, वो अभी तक एक साल से स्टूडियो में ही पड़ा हुआ है. तो एक्सपेरिमेंट मैं भी करता हूँ, लेकिन रिलीज़ वही करता हूँ जो ईयर कैंडी हो, मतलब प्यार वाली फील. मुझे बहुत अच्छा लगा गाना तो मैंने अभी करा. आगे मेरे हिंदी सॉन्ग्स भी आ रहे हैं, पर मुझे नाउ आई नो कि देसी गाने मेरे वोकल पे नहीं सूट करने वाले. तो दैट्स व्हाई. एंड हाउ डू यू टेक द फाइनल कॉल कि ये वाला गाना मुझे रिलीज करना है और ये वाला गाना? जब पहले मिक्स मास्टर होता है, मैं बताती हूँ, मैं और मेरे जो मिक्स मास्टर इंजीनियर है, मेरा ब्रदर है LV94 करके, वो हम पहले गाने को सुनते हैं नॉर्मल स्पीकर में, लाइक अ बेसिक स्पीकर, नो ब्रांड, ठीक है, उसमें सुना. उसके बाद हम सुनते हैं एयरपॉड्स में, उसके बाद हम सुनते हैं JBL के स्पीकर में, उसके बाद हम सुनते हैं कार के स्पीकर में. ओके. उसके बाद हमारे को जो कमी पेशी लगती है वो हम देखते हैं, वो हम फिर उसको रिवाइज करके मिक्स मास्टर दोबारा होता है. उसके बाद जब सारे स्पीकर्स में ओके साउंड करता है तब हम उसको रिलीजिंग के लिए देते हैं. That's very innovative way. क्योंकि you have to understand कि आप एक audio अपना stream के लिए दे रहे हो, तो वो हर बंदे के पास normal speaker भी है, हर बंदे के पास normal headphones भी हैं और फिर airpods हैं, तो हर एक का sound में पता चलता है इसमें ये कमी उसमें वो, तो हम उसको balance करके proper mix master, मेरा brother balance करके फिर वो audio render निकालते हैं. अब last क्या हुआ, इसी गाने में अभी हमने एक render निकाल दिया था, car में हम नहीं सुन पाए थे, तो गाड़ी में जब हमने बाद में सुना तो उसमें थोड़ा सा लगा कि ये चीज़ थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती है, वो भी अच्छा था. तो हमने फिर उसको दोबारा मिक्स मास्टर करवाया रातों रात, उसके बाद मैंने आप लोगों को दिया था. ओके. एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने ये बात कही थी मुझे, जो आपने अभी स्पीकर्स की बात करी, कि जब हम गाना बना देते हैं तो लोग ऐसे फ़ोन के स्पीकर पर सुनते हैं. हाँ. तो ऑब्वियसली वो जैसा आपने थॉट रख के बनाया है वैसा साउंड नहीं करता वो, तो इट किल्स दी हार्डवर्क जो आर्टिस्ट ने इतना उसमें पुट किया है. तो वो उनका कहना था कि मतलब प्लीज फोन में भी, सबसे पहले तो फोन में ही सुनते हैं, उसके बाद ये सब सारे स्पीकर्स में हम सुनते हैं. बट फोन के स्पीकर की साउंड थोड़ा सा मतलब स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दी. वो तो है, करती है, लेकिन हम उसको इतना वो नहीं कर सकते कि उसमें भी बुरा साउंड करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल विल लिसन इन द फोन, लाइक 70% लोग फोन में ही सुनेंगे, उसके बाद स्पीकर गाड़ी में सुनेंगे, तो फोन तो मस्ट है. इसमें ही अगर फट गया या कुछ भी बुरा साउंड हो गया तो वो बहुत बुरा हो जाएगा. तो हमें इक्वली बैलेंस करना पड़ता है कि फोन की EQ कितनी है, वो सब लाइक उनकी EQ होती है अपने, उसके हिसाब से सेट करना पड़ता है. मिक्स मास्टर नॉट इजी जॉब यार. अब तो जो डराओ मत, रोने लग गई हो पहले. नेहा हंस रही है, पूजा रो रही है. अपनी क्वालिटी जरूर चेक करनी चाहिए ऑडियो की, क्योंकि कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मुझे खुद बहुत पसंद है लेकिन अंडररेटेड है, ठीक है. और मतलब की लाइक आई वुड नॉट टेक नेम्स क्योंकि वो खुद ही फ्रेश आर्टिस्ट है, बट उनके ऑडियोज बहुत अच्छे हैं और वो यहीं पे लैक करते हैं, क्योंकि स्पॉटिफाई और जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑडियो प्लेटफॉर्म्स, वो क्वालिटी रिजेक्ट कर देता है. ओके. तो वो क्वालिटी जब रिजेक्ट हो जाती है तो वो एल्गोरिथम में नहीं आ पाता गाना, तो इसलिए वो क्वालिटी तो ज़रूर देखनी चाहिए आर्टिस्ट को अपलोड करने से पहले. मैं तो यही राय दूंगा, क्योंकि काफ़ी गाने ऐसे हैं जो वायरल हो सकते हैं पर क्वालिटी की वजह से नहीं होते, और एक रेंडर ही तो लगाना है, आधा घंटा लगेगा ज़्यादा. ओके. How did you start your music journey? I started when I was in my fourth grade.
लोगों को तो कॉलेज के बाद भी पता नहीं चल पाता कि क्या करना है लाइफ में. वो भी ऑल ऑफ सडन ऐसा ही हो गया, मतलब आई वाज नॉट इनटू कि मेरे को जाना है ऐसा कुछ. थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में ऐसा कुछ नहीं किसी होता को भी नहीं पता होता है हमें कहां. तो एग्जैक्टली आई वाज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, तो उसमें हमारा मंडे टू फ्राइडे कॉयर होता था इंग्लिश, लॉर्ड द लाइट ऑफ लव और ये लाइक अ सनफ्लावर एंड ऑल. तो उसमें जो हमारे सिस्टर थे नंस थे हमारे स्कूल में, उन्होंने सबके वोकल टेस्ट करे थे दो दो लाइन्स मतलब सिंग करवा के. तो तब से कॉयर से लेके मैं एट्थ तक मैं अपने स्कूल के कॉयर में था इंग्लिश. तो उसके बाद मैंने नाइन्थ में सॉन्ग राइटिंग स्टार्ट करा था. मुझे अभी भी याद है कनकेव कन्वेक्स पढ़ रहा था मैं, और मुझे आज तक नहीं पता कनकेव ऐसा होता है कि कन्वेक्स ऐसा होता है, तो क्योंकि मैं सॉन्ग राइट कर रहा था. तो तब से ही आई वेंट टू म्यूजिक. एंड इज योर फैमिली सपोर्टिव ऑफ योर करियर? स्टार्टिंग में लाइक नहीं था ऐसा कुछ भी, बट हाँ व्हेन आई वेंट टू द स्टेज आई वाज लिविंग इन दिल्ली. मेरे पेरेंट्स को ही नहीं पता था कि मैं रियलिटी शो में हूँ. मैंने उनको okay. बताया कि मेरा ऐसे मैं इधर डीपीएस में दिल्ली में ऑडिशन देने आया था. ये लास्ट ऑडिशन थे, इसके बाद टीवी ऑडिशंस थे. तो जब मैं इधर देने आया मैंने तब भी नहीं बताया था. मैंने बोला हाँ इधर ही हूँ, मतलब दिल्ली में ही हूँ, इस वीकेंड में घर नहीं आ पाऊँगा. तो मैं जब ऑडिशन दे के आया, जब चार दिन में आ गया कि हाँ आपका बॉम्बे का टिकट हो गया, आपका ऐसे ऐसे यहाँ स्टे है, आप शो में हो टॉप 20 में, तब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसे, एंड दे वर लाइक वेरी हैप्पी. उसके बाद से दे सपोर्टेड, आज तक दे आर सपोर्टिंग. दैट्स वेरी नाइस. या हाउ डू यू गाइस स्टे अप टू डेट विद द ट्रेंड्स, लाइक कि ट्रेंडिंग कंटेंट बनाना है? मैं तो नेहा को कॉपी कर लेता हूं. ओके कॉल तो पिक होती नहीं है, क्योंकि शी नोस द ट्रेंड्स. यार हाउ डू यू नो द ट्रेंड्स, क्या चल रहा है, फॉलो योर फ्रेंड कि नहीं? शॉर्टकट. शॉर्टकट क्या, सच बोला है मैंने. मैं नेहा की रील देखता हूं, अच्छा ये गाना चल रहा है मतलब. एंड आप बताइए, जो हम बना दे वही ट्रेंड हो जाता है. तू मुझे देख लेती है, क्या बात है. ओह गॉड दैट्स गुड. जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है. ठीक है. आपके लिए व्हाट्स द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर और एन इन्फ्लुएंसर? यार चैलेंज तो देखिए हर चीज में आता है, बट बिकॉज ये मेरा पैशन वाला फील्ड है तो इस मुझे चैलेंजेस आते हैं, वो भी मुझे अच्छे ही लगते हैं. मतलब अच्छा लगता है हर चीज़ को फेस करना. अब बिकॉज आई एम न्यू इन टू दिस फील्ड, तो जब पहली ब्रांड कोलैबोरेशन आई, मेरे पास कुछ नहीं था, कोई टीम नहीं थी, सब कुछ खुद मैनेज करना था, तो वन वुमन आर्मी टाइप सब कुछ किया. तो हाँ आज तक चैलेंज फेस करते, बिकॉज हमें क्या कर रहा है, अगर सपोज मैं साड़ी ड्रेप करती हूँ, साड़ी ड्रेप करने वाला कंटेंट कब तक चलेगा? एक महीना, दो महीना, लोग बोर हो जाते हैं है ना. तो लोगों को इंगेज करके रखना, तो वो एक चैलेंज रहता है हमेशा हर कंटेंट क्रिएटर के लिए, नॉट ओनली फॉर मी, बिकॉज आप सेम चीज़ ही फॉलो अप नहीं कर सकते हो एवरी सिंगल. साड़ी का कलर बदल लो ना. नाइस ऑप्शन मेरे लिए यही म्यूजिक वर्सेटैलिटी, क्योंकि मैं हर जॉनर ट्राई करता हूँ. पॉप, अभी मेरा एक मैंने एक लंदन अभी रिकॉर्ड करा था गाना, तो आई एम वर्किंग विद एन आर्टिस्ट जो बीबीसी रेडियो में पिछले 10 साल उन्होंने काम करा है. तो उनके साथ उन्होंने कहा कि हाउस म्यूजिक पे कुछ बनाते हैं, मतलब बीट वॉज टोटली इंग्लिश पर लिरिक्स उसमें पंजाबी है. तो वो भी अपकमिंग मैं अभी एक्सपेरिमेंटल, मैंने अभी रिसेंट शूट करा है वो भी दिल्ली में. तो म्यूजिक में मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, लाइक अब हाउस म्यूजिक में मैं प्लान कर रहा हूँ सारा एकदम मॉडर्न म्यूजिक. तो पॉप तो मैं कर ही रहा हूँ, अभी मैंने R&B करा है जो प्यार वाली फील गाना है, तो सैड भी मैं कर चुका हूँ, पार्टी भी कर चुका हूँ. तो मेरा ऐसा रहता है कि जैसे इन्होंने बोला ना वही साड़ी वाला कंटेंट, एक ही, तो मैं एक जॉनर पे नहीं टिकता. मैं भी ये सोचता हूँ कि जितना वर्सेटैलिटी, आगे मैं सोच रहा हूँ पंजाबी इंग्लिश मिक्स करूँगा, एक में करा भी था, तो इसलिए वो वर्सेटैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन साड़ीज एंड म्यूजिक. और आपका फेवरेट कौन सा है अब तक का फेवरेट जॉनर जो आपका पर्सनल? हाउस म्यूजिक ऑफकोर्स, मैं शुरू से ही हाउस म्यूजिक सुनता था. तो मुझे कोई भी ऐसा नहीं था कि मुझे लगेगा कि हाँ मैं इनके साथ एक हाउस ट्रैक करूँ प्रॉपर. तो मुझे लगा कि मैं इनके साथ ही कर सकता हूँ, क्योंकि ही वॉज बॉर्न इन UK बट ही वॉज पंजाबी, ही इज़ पंजाबी. तो उनके साथ मैंने अभी एक हाउस ट्रैक करा है, और बाकी जो मेरे ब्रदर है LV94 उनके साथ भी मैं हाउस म्यूजिक में कर रहा हूँ आगे. माई फेवरेट जॉनर पर्सनली. हूज बीन योर इंस्पिरेशन इन म्यूजिक? बचपन से हमने कैल्विन हैरिस सुना है हाउस म्यूजिक में, तो ऑफकोर्स सब नहीं सुना होगा. तो Calvin Harris is a big inspiration in house music. Also, Punjabi music industry पहले थोड़ा सा ये था limited था, अभी उसका पूरा globalization हो रहा है. So, what is your take on it? It's good क्योंकि पहले लोग नहीं सुनते थे ये सब. पहले ठीक है, it's good folk सुनते थे लोग, pop सुनते थे,
जैसे टप्पे होते थे पुराने, वो सब होते थे उनको बना देते थे, जैसे लैम्बोर्गिनी गाना, वो सब काफ़ी अच्छा था. लेकिन अब मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि नाउ पीपल आर मोर इन्वेस्टिंग टाइम ऑन म्यूजिक प्रोडक्शन. पहले लोग करते थे हाँ वोकल वोकल में जान होनी चाहिए एंड दैट्स गुड, होनी चाहिए. लेकिन म्यूजिक सेंस भी मेरे ख्याल काफ़ी मॉडर्न होनी चाहिए एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए भी, क्योंकि अगर एक वोकलिस्ट अपनी जान लगा रहा है वोकल में, तो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर को भी उस लेवल का, उसकी वोकल समझने के बाद म्यूजिक का वो भी समझना चाहिए, अरेंजमेंट की आर्टिस्ट को क्या चाहिए. तो नाउ आई थिंक अब जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं वो काफ़ी मॉडर्न है म्यूजिक को लेके, तो अब लोगों को म्यूजिक ज़्यादा अंडरस्टैंड हो रहे हैं. नाउ पीपल आर लिसनिंग टू R&B. मैंने कभी R&B पंजाबी नहीं सुना था पहले, अब मैंने रिसेंटली कुछ 2-3 साल पहले शुरू करा, जो आई अब रहा है तो अब सुन रहा हूँ. तो इसलिए हमने शुरू से सुना है बट अब मैं लाइक कर रहा हूँ कि पीपल आर लाइकिंग मॉडर्न म्यूजिक अब. और ऑल्सो अब भी मतलब पहले से भी रहा है, पर मैं आपके लिए पर्सनली पूछ रही हूँ कि जो म्यूजिक आर्टिस्ट रहते हैं फॉर स्पेशली इन पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री, उनकी जो म्यूजिक वीडियो रहती है वो उसमें फीचर भी करते हैं पंजाबी सिंगर्स. हाँ, एक काइंड ऑफ एक्टिंग का भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, तो ये दोनों चीजें आप कैसे? तो मेरा खुद का शूट था गोवा में, फर्स्ट गाना टी सीरीज का ही मेरा फर्स्ट गाना था शो के बाद, और मैं खुद बड़ा कॉन्शियस था क्योंकि मैंने कभी एक्ट नहीं करा था. रियलिटी शो में थे ठीक है, कैमरा मतलब फेस करा था, सब कुछ अच्छा था, बढ़िया इंटरव्यूज मैंने दिए थे उसके बाद शो के बाद, तो ठीक था. मतलब इंटरव्यू में कैमरा फेस करना और म्यूजिक वीडियो में जिसमें स्पेशली डांस था जो खुद मैं पहली बार कर रहा था, तो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, पर सब कुछ अच्छा हो गया. पता ही नहीं चला, अभी भी मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि कैमरे बंद है ऐसे हो जाता है. बेसिकली यू एक्टिंग इज अ चैलेंज, इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू पॉइंटेड आउट कि सिंगर तो चलो गा सकता है पर एक्ट करना भी ऑफ कोर्स मुश्किल है म्यूजिक वीडियो पे. उसके लिए सिंक देने, उसकी स्टोरी लाइन करनी, क्योंकि एक्ट्रेस का काम भी हम कर रहे हैं. सो या मल्टी टैलेंटेड पीपल, आई नो लाइक यू आर वेरी नाइस. और आपके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स का जो प्रेजेंस है ऑन डिजिटल स्क्रीन, कितना इवॉल्व हुआ है पहले से अब तक? कंटेंट क्रिएशन को रिकॉग्निशन भी बहुत रिसेंट आफ्टर कोविड जी काफ़ी ज़्यादा हुआ नहीं है, बट इतना मैं कहूँगी कि कंटेंट क्रिएशन से काफ़ी सारे वो टैलेंट्स जो कि पहले नहीं टीवी पर आ पाते थे, लोग नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते थे, इससे काफ़ी सारे टैलेंट्स हैं जो कि बाहर निकल के आए हैं. एंड आई वुड से कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की लाइफ चेंज हुई है इस फील्ड से. तो हाँ, इवॉल्व हुआ है, साथ में लाइफ भी काफ़ी लोगों की इम्प्रूव हुई है इस चीज़ से. ओके, सो इफ यू गेट द चांस टू फीचर इन अ मूवी जो अभी रिसेंटली रिलीज हो चुकी हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, व्हिच वन वुड यू गो फॉर मूवी? डोंट से एनिमल, या ही जस्ट सेइंग क्योंकि लंबी है ना, लंबी मूवी. एनिमल नहीं, वो थी ना यार छछोरे, श्रद्धा कपूर. कभी आपको थ्रू आउट योर जर्नी सेल्फ डाउट का सामना करना पड़ा और कैसे आपने ओवरकम किया? बिकॉज आई थिंक सबकी लाइफ, नॉट ओनली आर्टिस्ट बट ए कॉमन, बीच में अप्स एंड डाउन्स तो सबके चलते हैं. कोविड में हमारे इवेंट बंद हो गए थे बट या स्टिल लाइक वी रिकॉर्डेड, मतलब काफ़ी सपोर्ट करा बड़े ब्रदर ने हमारे. एक्चुअली इवेंट्स बंद हो चुके थे कोविड में, तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे, सॉन्ग्स भी पड़े हुए थे लेकिन हमारे लाइव थोड़े से बंद हो गए थे कोविड में, क्योंकि आपको पता ही है कुछ भी इवेंट्स नहीं हो रहे थे उस टाइम पर. तो मेरे ब्रदर ने मुझे कहा कि भाई देख इवेंट का तो आगे भी चल जाएगा, लेट्स रिकॉर्ड. हमने कम से कम नहीं तो 10-12 गाने रिकॉर्ड कर लिए थे कोविड के टाइम पर ही. और वो इतनी इतनी पॉजिटिविटी थी ब्रदर में भी, उन्होंने वो म्यूज़िक प्रोडक्शन करी, बनाया हमने गाना, और वो जब उन्होंने बनाया हमने 10 गानों में से लाइक 2-3 जब डन हो चुके थे ना, तो सम हाउ देयर वाज अ प्रोड्यूसर, उसको वो गाना बहुत पसंद आ गया और उसने बोला कि हमने शूट ही करना है. तो कोविड में ही मैं 3 बार दुबई हुआ गाना शूट कराया, तो वो मेरा माइंड उधर से लाइव से डाइवर्ट हो गया शूट्स में आ गया, तो वो सारा बैलेंस हो गया. हुआ बीच में डाउन लेकिन काफ़ी हेल्प करी 2-3 लोगों ने, काफ़ी हेल्प करी मेरी, स्पेशली मेरे ब्रदर ने LV94, उन्होंने वही मेरा म्यूजिक करते हैं ज़्यादातर सॉन्ग्स का, तो बहुत हेल्प हुआ उससे. नाइस वन. आपका लाइक नो डाउन्स ओनली अप्स. हर दिन फेस करती हूँ, हर दिन लगता है कि शायद नहीं कर पाऊँगी, आज की वीडियो इतनी अच्छी नहीं है. कभी कभी तो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि मन नहीं करता है, बट बोलते ना जब कोई नहीं होता है तो माँ होती है जो सामने होती है. तो मेरी मम्मी है, पापा हैं दोनों, बेटा तुमने कंटेंट नहीं बनाया आज, मम्मी तो ऐसे कहती तूने देखा उसके 2 मिलियन होने वाले हैं, तुम अभी तक 1 मिलियन बैठ गई, चलो कंटेंट बनाओ. तो हाँ, वो मुझे हमेशा ऐसे, पर मुझे लगता है कि फेम मिले ना मिले,
वीडियो वायरल हो ना हो, बट इनको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा मम्मी को कि हाँ चलो शी इज़ वर्किंग हार्ड. तो एक वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं चेयर अप करती है. और जब वो चीज़ मैं बनाती हूँ और बाय गॉड ग्रेस वो वायरल भी हो जाता है तो उस चीज़ में चार चांद लग जाते हैं. वट एडवाइस वुड यू गाइज लाइक टू गिव टू एस्पायरिंग म्यूजिशियंस एंड कॉन्टेंट क्रिएटर्स? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि डोंट गेट डिप्रेस्ड. अगर गाना नहीं चल रहा तो भाई गाने तो 2 साल बाद भी चल जाते हैं, चल जाते हैं, आपको भी पता है. काफ़ी काफ़ी गाने ऐसे जो आज नहीं सुने लेकिन कल को वायरल हो जाते हैं 2 साल बाद, पर पुराने होते हैं. तो आई थिंक कि बहुत हार्ड जर्नी है म्यूजिशियन की, तो वैसे ही बहुत हार्ड है. बट नेवर स्टॉप रिकॉर्डिंग, नेवर स्टॉप राइटिंग. काफ़ी काफ़ी मैंने ऐसे लिरिक्स राइटर देखे हैं जो कहते हैं कि नहीं बन पा रहा, नहीं बन पा रहा, तो वो लिखना ही छोड़ देते हैं. तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं एक टाइम पे लिखा करता था, अब मैं नहीं लिखता. मैंने ऐसे लोगों के भी लिरिक्स करे हैं ओके, जिनसे उनको लगा कि नहीं अब बनवीर हमारे गाने कर रहा है तो अब मैं और लिखूंगा. ऐसे भी हैं एक दो लोग. तो आई थिंक कि म्यूजिशंस को इंस्पिरेशन की तो बहुत ज़रूरत है और पंप चाहिए ही चाहिए. राइट, मैं यही कहूँगा कि बनाना नहीं छोड़ना चाहिए. कॉन्टेंट कभी भी वायरल हो सकता है और एक ही गाना ऐसा होता है जो पूरी लाइफ टाइम उसको दे देता है. उसके बाद दोबारा गाना वायरल हो ना हो, वो एक ही गाने से वो आर्टिस्ट सेट हो जाता है. अच्छा, तो आई थिंक वो एक के लिए ही काम करना चाहिए पहले तो. बट कुछ आर्टिस्ट को कभी कभी ऐसे लगता है इफ इट्स नॉट वर्किंग मे बी आई एम नॉट द राइट फिट फॉर दिस करियर. उसी के लिए ही मैं बोल रहा हूँ ना कि देयर्स ऑलवेज, हर चीज का राइट फिट होता है. मतलब जिसको बेचना है वो मिट्टी और पानी भी बेच सकता है ना. तो आई थिंक ये तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए. उसका कंटेंट वो बनाई जाए, अगर 20 भी होगा 20 नहीं तो 30 होगा, 40 होगा, एक भी गाना उसमें से वायरल हो गया वो सारे 30 के 30 गाने वायरल हो जाएंगे उस आर्टिस्ट के. सो आई थिंक कि मिट्टी बेच सकते हो तुम, बनाना चाहिए, स्टॉप नहीं करना चाहिए. बट वहाँ पे अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है काफ़ी फाइनेंस, हाँ आ जाता है, ऐसा काफ़ी बार ही आता है. तो मैं यही कहूँगा कि काफ़ी कंपनीज हैं, अप्रोच करना चाहिए, जाना चाहिए. काफ़ी लोग अपना अलग काम भी करते हैं, जैसे इनका भी प्रोफेशन है, इन्होंने भी समा करा है ना. तो काफ़ी ज़्यादा अब तो बहुत इजी हो गया यार आज के टाइम में तो. हमारे टाइम में तो कभी वो भी नहीं होता था कि हाँ ये कंपनी एड्रेस है जाओ कर लो, इंस्टा पे कनेक्ट कर लो. पेजेस ही नहीं होते थे इंस्टा की कंपनीज पे. टी सीरीज को ढूंढने के लिए इतना टाइम लग जाता था काम मेरे टाइम में, नहीं कह रहा मतलब मेरे से भी थोड़ा सा पुराने टाइम में. बट अब तो काफ़ी ईजी है, आप मेल कर सकते. इज नॉट सेइंग ही इज द ओल्ड, ऑफ कोर्स आई एम नॉट ओल्ड. ठीक है, मतलब ऐसा मैंने, मतलब मेरे खुद के जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनसे मैंने काफ़ी सुना है, उनसे ही मैं इंस्पायर भी हुआ. तो इसलिए नेवर स्टॉप वर्किंग ऑन योर म्यूजिक. आई थिंक कैसे भी करो, किसी के थ्रू जाओ, किसी डायरेक्टर के थ्रू मिलो, किसी के थ्रू मिलो, बट पुट योर नोज इन एनी एवरी ऑफिस. कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर मिलता है. हाँ, अच्छी है अगर मेहनत कर रहे हो, अगर राइटिंग अच्छी है, स्किल्ड हो तो. अदरवाइज सामने वाला बोल ही देता है कि थोड़ा भी टाइम लगेगा. आजकल तो सब बोल देते हैं मुंह पे. कभी कोई वो ऐसा कमेंट रिसीव हुआ है जिसमें यू लाइक टेकन अ बिट बैक की क्या, मतलब हाउ टू रिप्लाई टू दिस? आज जब मतलब मैंने खुद ही पंजाबी हिंदी गाने पहले स्टार्ट करे थे तो सी आई एम फ्रॉम हरियाणा बेसिकली. सो तुम्हें पता है सी आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो यू बेटर नो कि पंजाबी हिंदी ज्यादा वधिया नहीं होंगी. बट स्टिल लोग कहते हैं कि पंजाबी तू नहीं गाँदा प्रॉपर, ठेठ नहीं गाँदा. वो चीज़ा मैं काफ़ी बारी सुनी कि पंजाबी गाने प्रॉपर गाया कर, खाड़कू गाने गाया कर, देसी गाने गाया कर. बट ब्रो दिस इज़ लाइक गाऊंगा, हाँ मैंने ट्राई भी करा, वो नहीं हो रहा. लेकिन जो मैं गा रहा हूँ R&B गा रहा हूँ, पॉप गा रहा हूँ, वो भी पंजाबी है. हर आर्टिस्ट की अपनी वाइब है. तो उस हिसाब से आई थिंक जो लगता है हमें गाना चाहिए वही गाना चाहिए. हाउ डू यू गाइज मेजर सक्सेस बियॉन्ड मेट्रिक्स लाइक फॉलोअर्स, लाइक्स, कॉमेंट्स, स्ट्रीम्स, व्यूज? बस यही कि हम निकल रहे हैं और सब जानते हैं. इसके अलावा स्ट्रीम स्ट्रूम का इट्स फाइन. स्ट्रीम तो है तभी जानते हैं सड़क पे. ओके, मेरे लिए आई थिंक दिस इज द, क्योंकि जब मैं रियलिटी शो से निकला था पटेल नगर साइड, तिलक नगर साइड, तो मेरे को याद है मैं खुद जब अपने दोस्त के साथ गाड़ी में था तो देर वॉज लाइक रेड लाइट पे जब सारे रुके तो देर वॉज अ कपल जो पीछे से एक आंटी नॉक करते हैं गाड़ी के शीशे पे एंड शीशे से, बेटा आप अभी कलर्स में थे ना अंग्रेजी गाने जेड़े तुम गाए सी. मैं हाँ जी हाँ जी. सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट मोमेंट फॉर अ पर्सन कि हाँ यार यू डिड समथिंग दैट पीपल नो यू. पॉपुलैरिटी, हाँ इतने फॉलोअर्स हैं, इतना वो है, मतलब ये है कि लोगों को पता हो बस कि हमने दिल से काम करा है और उसकी वो निकल के आई वर्ड्स. एंड हाउ डू यू मेजर इट? आई ऑलरेडी गिव यू द आंसर फॉर द क्वेश्चन. मेरे लिए है कि मैं सैटिस्फाई होनी चाहिए मेरे. ओके, अगर मुझे मेरे आज एक वीडियो डाली एंड आई एम सैटिस्फाइड कि हाँ व्यूज नहीं गए कोई बात नहीं, लोगों को पसंद नहीं आई कोई बात नहीं, बट मुझे अच्छी लग रही हूँ ना मैं उस रील में, तो आई एम हैप्पी. मतलब सो आई एम हैप्पी. मम्मी को पसंद आई ना, आई एम हैप्पी. ऐसे छोटी सी दुनिया, आई एम हैप्पी. छोटी सी थोड़ी है, इतनी बड़ी बन गई. सो
सो क्यूट. 1.3 ऑन द गो है छोटी सी दुनिया. हाँ छोटी सी दुनिया बड़ी बड़ी और छोटी मोर टू कम. वो तो बस लोगों का प्यार. ऐसे छोटी छोटी दुनिया सबको मिल जाए. 12 मिलियन हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा. तुम भी यही हम भी यही. शक्कर कुछ मीठा है क्या? प्लीज नहीं नहीं ऑफकोर्स मैं खा लूंगा कोई बात नहीं. मीठा लेके आ रहे हो चॉकलेट? हाँ बिल्कुल जाओ अभी. हाँ बिल्कुल जाएंगे जाएंगे. सब्र कीजिए चॉकलेट मीठा मिले. जस्ट इमेजिन फॉर द टाइम बीइंग क्या चॉकलेट. अरे यार और प्रॉब्लम में डाल रही हो. मैं भूल रहा था तुमने फिर इमेजिन करवा दी. मैनू प्यार वाली फील आती है जदों भी.